हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट टेक पर। गाइस, आज मैं आपके लिए साइकोलॉजिस्ट एंड उनकी अप्रोचेज लेकर आया हूँ। गाइस, आप सभी ने बिहेवियरिज्म फंक्शनलिज्म जरूर पढ़ा होगा अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो। गाइस, हम देखते हैं कि हमें हमेशा ना इन सभी के नेम भूल जाते हैं कि किन साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे। और गाइस, ये हर साल पेपर में ना एक क्वेश्चन जरूर आता है 100%। गाइस, अगर सीधा ना पूछा जाएगा ना तो किसी ना किसी रूम में जरूर आएगा, किसी ना किसी रूप में। मतलब कि आप, अभी मैं आपको सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा कि बिहेवियरिज्म क्या बताता था, फंक्शनलिज्म क्या बताता था, सभी के लिए एक्सप्लेन करूंगा, उस बिहाफ पे पूछा जाता है। ठीक है गाइस, चलो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले इन अप्रोचेस के साइकोलॉजिस्ट के नेम याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ठीक है गाइस, अभी देखते जाना। गाइस, सबसे पहले जो फंडा है ना, जहाँ पे भी आपको पीछे लिज्म वर्ड दिख गया ना, लिज्म, ये देखो जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लिज्म, यहाँ पे भी लिज्म, लीजम, लीजम। गाइस, जहाँ पे भी आपको पीछे लीजम वर्ड दिख गया ना, वहाँ पे आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि वहाँ पे डब्ल्यू वर्ड जरूर आना है। कौन सा वर्ड? डब्ल्यू, 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 डब्ल्यू। जहाँ पे भी गाइस लीजम वर्ड आ गया, वहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? डब्ल्यू। अब आपको पेपर में कैसे क्लिक करेगा, जैसे यहाँ पे पहले मैं देखता हूँ बिहेवियरलिज्म, लीजम आ गया, आपके दिमाग में साथ ही साथ क्लिक कर जाएगा कि बैट्सन जरूर आना है वहाँ पे। डब्ल्यू जो रहेगा, डब्ल्यू के नेम से कोई भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट आपको कैसे पता लगेगा कि यही आएगा? तो आपको इतना याद थोड़ा पता लग जाएगा, जैसे बिहेवियरलिज्म है, लिज्म के लिए डब्ल्यू आ जाएगा और बी के लिए बी आ जाएगा, साथ ही साथ क्लिक कर जाएगा पेपर में, जे बी वैटसन। अगर हम नेक्स्ट पे आए फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म आ गया तो डब्ल्यू जो रहेगा, ठीक है, तो विलियम जेम्स क्लिक कर जाएगा। अब आपको कैसे पता लगेगा सर कि ये भी तो हो सकता है? बट यहाँ पर आपको पता लग जाएगा ना कि बी आ रहा है तो जे बी वैटसन, ये बिहेवियरलिज्म के लिए होगा। अब ये तो इसके लिए क्लिक नहीं करेगा, चाहे इसमें डब्ल्यू है, क्योंकि इसमें बी नहीं है, है ना गाइस। अभी एक एक बार हम इसको छोड़ के इस पे आते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म पे। अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, स्ट्रक्चरलिज्म, आप इसको ना आपने ऐसे थोड़ा ट्रिक बताता हूँ आपको, जैसे ये ना हमारे पास आर यू, हम इसको ऐसे लिखते हैं आर यू। अब आपको ना इसने इसको ऐसे बस थोड़ा टर्न कर देना, अब आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, दो डब्ल्यू बन रही है। वैसे तो आपके दिमाग में वैसे ही क्लिक कर जाना है कि लिज़म वर्ड आ गया तो डब्ल्यू तो आनी ही आनी है, बट आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे डब्ल्यू एक आनी है या दो दो डब्ल्यू आनी है, तो आपको आर यू पे देखना है और साथ को टर्न कर देना, इट मीन्स यहाँ पे कितनी आनी है डब्ल्यू, दो डब्ल्यू। तो ऑप्शन में जिसमें भी दो डब्ल्यू होंगी आपको वहाँ पे टिक कर देना, सिंपल। अब हम आगे देख लेते हैं गेस्टाल्टिज्म, लिज़म वर्ड आ गया, ऑब्वियस है गाइस, डब्ल्यू वाला नेम ही आना है, ठीक है गाइस, ये छोटी सी ट्रिक थी। अगर हम आगे देखते हैं बिहेवियरिस्ट, बिहेवियरिस्ट गाइस, हम जब भी बोलते हैं बिहेवियरिस्ट तो सारा प्रेशर कहाँ पे पड़ता है? एस पे पड़ता है ना, तो गाइस स्किनर क्लिक कर जाएगा, बिहेवियरिस्ट, है ना गाइस। तो कोग्निशन, सारा प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है? नी पे भी नहीं पड़ रहा गाइस, तो यहाँ पे क्लिक कर जाएगा नीजर, ठीक है गाइस। अब हम आगे देखते हैं मोटिवेशन, गाइस एक छोटी सी बात बताना, जब भी कोई बंदा कह लो बीमार हो जाता है तो कहाँ पे जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, ऑब्वियस सी बात है, और डॉक्टर उसे क्या करता है? मोटिवेट करता है कि हाँ भाई तू ठीक हो जाएगा, ऐसे ही करता है गाइस। तो मोटिवेशन से आपके दिमाग में क्लिक करेगा डॉक्टर, है ना, तो डॉक्टर से डी आ जाएगा दिमाग में, डॉक्टर डायर, सिंपल। पर्सनैलिटी, अब हम आगे चलते हैं पर्सनैलिटी पे, गाइस पर्सनैलिटी पे आपके आपके ब्रेन में कैसे क्लिक करेगा? गाइस जब हम छोटे थे हम अपनी पर्सनैलिटी का इतना ध्यान नहीं रखते थे, है ना, जब हम जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे हम बाहर पढ़ने चले गए, है ना, वहाँ पे हम देखते हैं आउटसाइड पे कि सभी बंदे बहुत पर्सनालिटी बना के रखते हैं, तो हम बाहर जाके रहते कहाँ पे हैं? पीजी पे रहते हैं, अगर कोई किसी के रिलेटिव रहते हैं तो वह रह सकता है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कोई बंदा चला गया हुआ कि वहाँ पे मेनली कहाँ पे रहता है वो, कोई पीजी लेता है, हॉस्टल लेता है, तो गाइस यहाँ से पी से आपके दिमाग में क्लिक करेगा पीजी, कि बंदा बाहर चला गया और उसमें दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि पीजी में रहने लग गया, तो पी पर्सनालिटी से गोल्डन एलपोर्ट यानी कि पीजी, ठीक है गाइस, सिंपल है गाइस। वहाँ पे आपको चाहे अभी याद ना हो, अभी आप एक बार रीड करोगे एक दो बार लगेगा अजीब सा, लेकिन पेपर में 100% आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा गाइस, मैं तो हमेशा ऐसे ही करके जाता हूँ। आ गया ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक गाइस, यहाँ पे एम वर्ड आ गया बीच में, ह्यूमनिस्टिक, तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा मैस्लो, एम से एम क्लिक कर जाएगा। होर्मिक गाइज, यहाँ पे भी एम आ रहा है तो आपको क्या पता है यहाँ पे मैस्लो ना आ जाए कहीं पे, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे होर्मिक है ना, यहाँ पे एम और पीछे सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम सी
डोगन। गैस थोड़ा बहुत ध्यान रखना भी पड़ेगा हमें, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ट्रिक कर ली तो हाँ भी हमें भूलेंगे नहीं कभी, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान दोगे हो जाएगा ठीक है। ट्रिक का जस्ट मतलब यही है कि आपको अगर आप उसको रिवाइज़ करते रहोगे तो आपको दिमाग में रहेगी वो चीज़ ठीक है, थोड़ा बहुत तो ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे गाइज आपको नेटिविस्ट आई होप सबको पता होगा नेटिविस्ट के बारे में, चोमस्की है उनके बारे में। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।